चागड़ी तो सरियो सकलो सिरे मो बादल थारी बिजली खग मृग नैन डरपोत धड़कात वीरों का निवास चित्तौड़। यहां लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई हैं बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बखान कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोल कर किया है। पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलूं, जो इस गौरव गाथा के साक्षी हैं। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आप भी महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहां एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका यह निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहां इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी हैं। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए, यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। दो सौ साल बीत गए, तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ये बालक ईडर के गहलोत राजा महेंद्र का पुत्र काल भोज था। गहलोत वंश को एक बार फिर विपदा का सामना करना पड़ा। ईडर के भीलों ने गहलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेंद्र की रानी को अपने 3 वर्ष के बालक काल भोज के साथ नागदा में शरण लेनी पड़ी, जहां ये बालक मंदिर के पुजारियों की गायें चराते हुए बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गायें चराते हुए उसकी भेंट हारीत ऋषि से हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। कौन है? क्षमा करें महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। कौन है तू दंड बालक जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा रहा है? मेरा नाम काल भोज है स्वामी जी।
मैं महाराज गुहिल के वंशधर महाराज महेंद्र का पुत्र हूँ। परंतु तू इस कुंज में कैसे आया? कई दिनों से ये धोरी गाय गोधूली के समय सूखे थन लेकर लौटती थी। सबको संदेह था कि इसका दूध मैं ही पी जाता हूँ। आज जब मैं इसके पीछे पीछे इस कुंज में आया तो देखा कि इसके थनों से दूध अपने आप झर रहा है, तभी आपने मुझे देख लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है बालक। जहां तेरी गाय का दूध झर रहा था वो भगवान एकलिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। कल से तू यहां आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एकलिंग का दीवान घोषित करते हैं। हारीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद काल भोज की किस्मत उसे चित्तौड़ ले गई, जहां चित्रांगद मोरी के वंशज राजा मान का राज था। राजा मान ने काल भोज को अपना सामंत बना लिया। इस बीच हिंदुस्तान पर अरब की ओर से हमले शुरू हो चुके थे। काल भोज ने अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विदेशी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। धीरे धीरे काल भोज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने अनेक सामंतों को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह काल भोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। एक लिंग के दीवान के साथ साथ काल भोज अब बप्पा रावल भी कहलाने लगा। हिंदुआ सूरज महाराज बप्पा रावल की जय। राजगुरु महाराज बप्पा रावल की जय। चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन रास्ता खुल चुका था। मेवाड़ के राजा जान की बाजी लगाकर अपनी आन बान शान का झंडा बुलंद रखते रहे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो? 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। सिंगल दीप पद्मिनी रानी, रतन सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी, अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तानी, राघु चेतन कीन बखानी, सुन सही गई सिखायाई, हिंदू तुर्की भाई लड़ाई। कहते हैं कि इस सुंदरता का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारे रतन सिंह को रघुनाथ। जी सुल्तान, रावल रतन सिंह के अभिमान से बढ़कर सिर्फ एक चीज है और वो है उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। हुजूर, इनका कहना है कि रानी पद्मिनी के हुस्न के आगे होरे भी मात हैं। क्या वाकई ऐसा है? जी सुल्तान, कुंदन जैसी काया है, कमल जैसा मुखड़ा, हिरनी जैसी आंखें, गुलाब जैसे होंठ और काले नाक जैसी अलकें, हवा भी रानी पद्मिनी को छू कर निकलती है तो सुगंधित हो जाती। वल्ला, फिर तो ऐसा नायाब हुस्न हमारे हरम की जीनत होना चाहिए। मलिक कफूर, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबब भी सिखाएंगे और रानी पद्मिनी को हासिल भी कर लाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया।
लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसीलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो चीजें बातचीत से सुलझने योग्य नहीं है उनके बारे में गुस्ताखी माफ करें महाराज, ऐसा कोई मसला नहीं जो बातचीत से ना सुलझ सके। मेरे ख्याल से अगर रानी पद्मनी शीशे में ही अपनी एक झलक सुल्तान को दिखा दें तो कैसी बात करते हो? अगर तुम दूत ना होते तो महाराज, महाराज हिंदुस्तान में देवियां तो अपने भक्तों को दर्शन देती ही हैं, यहां तो शीशे में ही रानी जी की परछाई देखने की बात है, कोई रूबरू तो होना नहीं है। रावल रतन सिंह मान गए, लेकिन शीशे में रानी पद्मिनी का रूप देखकर अलाउद्दीन खिलजी के दिल की आग और भड़क उठी। उसने बल के बजाय छल से काम लेने की सोची। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जर्रा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान और शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं, आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुख्सत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान, चलिए लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं, आपका डेरा भी सामने है, अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा, धोखा है। अलाउद्दीन के कपट की खबर जब रानीवास में पहुंची तो रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल नामक दो शूर वीरों के साथ साथ सभी सरदारों को बुलवाया और छल का जवाब छल से देने को कहा। गोरा भैया, हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता से ही काम लेना चाहिए। सुल्तान ने छल किया है तो हम भी छल करेंगे। उसे कहला दो कि रानी पद्मिनी उसके डेरे में आने को तैयार है। ये कैसे अनर्थ की बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं। सुल्तान से कह दो कि रानी पद्मिनी की एक शर्त है कि वो अपने स्वामी से अंतिम भेंट करके ही उसके पास जाएंगी। उनके साथ उनकी सहेलियां और अन्य स्त्रियां भी रहेंगी पर्देदार पालकियों में। इन सब की पद मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ये कैसा गोरख धंधा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा बादल, तुम महल में 800 डोलियां सजाओ। हर डोली के भीतर एक एक रन बांकुरा हो। कहारों की जगह भी शूरवीर जाएं। सुल्तान वासना से अंधा हो रहा है, इसी का लाभ उठाकर तुम सब रावल सा को छुड़ा लाओ। गोरा और बादल ने इसी चाल से काम लेकर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया। जब तक अलाउद्दीन को पता चलता, रावल रतन सिंह बादल के साथ दुर्ग के भीतर पहुंच चुके थे। पीछे की कमान गोरा ने संभाली, भारी मार काट शुरू हो गई।
अलाउद्दीन की फौज रतन सिंह का पीछा करते करते किले के सिंह द्वार तक आ पहुंची। कोई रास्ता न देखकर रतन सिंह ने साका करने का फैसला किया। रानी पद्मिनी ने किले की सारी औरतों के साथ जौहर रचाया। रावल, रतन सिंह और उनके रणबांकुरे युद्ध में खेत रहे और अलाउद्दीन के हाथ किले की राख के सिवा और कुछ भी न आया। चौथाई सदी बीत गई। इस बीच मेवाड़ के बाहर और भीतर अनेक घटनाएं घट रही थीं, जिनका असर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे राणाओं पर पड़ रहा था। सन 1433 में जब महाराणा कुंभा चित्तौड़ में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, तो मालवा में सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात में बादशाह कुतुबुद्दीन शासन कर रहे थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। महाराणा कुंभा अपने समय के अत्यंत प्रतापी शासक थे। अपने 35 वर्ष के राज्यकाल में उन्होंने मेवाड़ को उत्तर भारत के राज्यों का सिरमौर बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहले मालवा और गुजरात के सुल्तानों का सामना करना पड़ा, जिनकी निगाहें मेवाड़ पर लगी हुई थीं। सन 1440 में राणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों के दांत खट्टे कर दिए और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। इस विजय के उपलक्ष में बनवाया गया विजय स्तंभ आज भी राणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के राजभवनों में अनेक नई इमारतें जोड़ी और विष्णु के वराह अवतार की प्रतिष्ठा में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। वो स्वयं शिल्प शास्त्र के जानकार थे और मेवाड़ के अन्य स्थानों में भी उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए। तलवार के धनी होने के साथ साथ महाराणा कुंभा साहित्य और संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने जयदेव की अमर कृति गीत गोविंद की टीका लिखी थी और अपने ग्रंथ संगीत राजवार्तिक में संगीत की राग रागनियों का वर्णन किया था। वाह वाह, अति सुंदर, ये राग हमें बहुत पसंद आया। इसका भी वर्णन हम अपने ग्रंथ संगीत राज में करेंगे। जोहार अन्नदाता। आइए आइए वीरमदेव जी, पधारिए। महाराज, कई दिनों से आप एक पद दोहराते थे,
जो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। हाँ हाँ, वो पद है कामधेनु तंडव करिए। ये मेरे एक संबंधी है महाराज, ये उसे पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहते हैं। तो देर कैसी? जद धर पर जो वती दीठ नागोर धरंती, गायत्री संग्रहण देख मन माही डरंती। सुर कोटि तैतीस आण निरंता चारो, नहीं चरंत पीवंत नह करती हंकारो। कुंभण राण हड़िया कलम आजस उर डर उतरिए, तिण दीह द्वार शंकर तणय काम धेनु तंडव करिए। वाह 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 वाह, हम बहुत प्रसन्न हुए। परंतु तुम राजपूत नहीं हो युवक, तुम निश्चय ही चारण हो। कहो क्या चाहते हो? हुकुम, आपने चारणों से अप्रसन्न हो उन्हें देश निकाला दे दिया है। अगर आप प्रसन्न हुए हैं तो अपना आदेश वापस ले लें। ठीक है, जाओ अपने भाई बंधुओं से कह दो कि वो फिर मेवाड़ में बस सकते हैं। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ को एक बार फिर अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा। राजगद्दी के लिए उनके वंशजों के बीच खींचातानी होती रही। अंततः राणा कुंभा का एक ऐसा वंशज चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा जो न केवल मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि उत्तर भारत के सभी राजाओं और सुल्तानों में भी अपने बाहुबल का सिक्का जमाने वाला था। इस प्रतापी राजेश्वर का नाम था संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेभिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राणा सांगा ने अपने राज्य को संगठित करना शुरू कर दिया। तभी हिंदुस्तान के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस बार का परिवर्तन युगांतरकारी साबित होने वाला था। सन 1526 में सुदूर पानीपत के मैदान से एक ऐसी खबर राणा सांगा के दरबार में पहुंची जिससे आने वाले तूफान का पता चलता था। नवाब हसन खां मेवाती, ये तो सचमुच अचरज में डालने वाली खबर है। खबर हैरत अंगेज ही नहीं है राणा साहब, परेशान कर देने वाली भी है। राणा साहब, किसे अंदाजा था कि इतनी बड़ी बादशाही फौज को पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी सी फौज से शिकस्त खानी पड़ेगी? बादशाह इब्राहिम लोदी कहां है? वो मैदानी जंग में शहीद हुए। इसीलिए तो बाबर के हौसले इतने बुलंद हैं। इन घटनाओं के पीछे हमें भारी संकट की आहट सुनाई दे रही है नवाब साहब। यही वजह है कि सभी अफगान सुल्तानों ने आपके हाथ मजबूत करने का फैसला किया है और मुझे आपके पास भेजा है। ठीक है, हमें स्वीकार है। जैसे हम बादशाह इब्राहिम लोदी से नहीं डरे, वैसे ही बाबर से भी नहीं डरेंगे। नतीजा साफ था। पानीपत की लड़ाई के 11 महीने बाद खनवा के मैदान पर राणा सांगा बाबर का मुकाबला करने आ पहुंचे। जब बाबर ने खनवा पहुंचकर मोर्चेबंदी की तो राणा सांगा की फौज देखकर बाबर के सैनिक हिम्मत हार बैठे। कहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में बाबर ने सभी सिपह सलारों को बुलाकर जोश दिलाया। मेरे जाबाज सरदारों और सिपाहियों, हर शख्स जो दुनिया के सराय में आता है उसे आखिरकार रुखसत होना ही पड़ता है। बुजदिली की बदनामी से दागदार जिंदगी जीने की बनिस्बत बहादुरी की शौहरत से धमकती मौत अजीम तर है। इस जंग में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाहु अकबर। 16 मार्च सन 1527 को राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया।
राणा सांगा और उनके वीरों ने बेमिसाल बहादुरी दिखलाई और मैदान को खून से रंग दिया। मगर तभी राणा सांगा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। उनके सरदार उन्हें उठाकर मैदान के बाहर ले गए। इसी समय रायसेन के राजा तंवर सलहदी अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला और इस तरह बाबर की फतह हुई। लड़ाई के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, किसने वार किया और किसको लगा, इसकी पहचान जाती रही। मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जीता रहा। इससे पहले कि राणा सांगा इस हार का बदला ले पाते, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खानवा की लड़ाई में उन्होंने बाबर की ताकत को ऐसी चोट पहुंचाई कि फतह के बावजूद वो मेवाड़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पाया। जिन दिनों मेवाड़ में तलवारों की झंकार और वीरों की हुंकार सुनाई देती थी, उन्हीं दिनों लड़ाई और मार काट के कोलाहल को चीरती हुई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसके स्वर आज भी भारत के कोने कोने में गूंज रहे हैं। आवाज थी मेड़ता की राजकुमारी मीरा की, जिनका विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ था। मीराबाई के मन में गिरधर गोपाल की भक्ति का बीज बचपन ही से पड़ गया था। कहते हैं कि जब वो बच्ची थी, उन्होंने महल के झरोखे में खड़े होकर एक बारात को जाते देखा। दूल्हा जब अपने लिए दुल्हन लाने जाता है तो उसे बारात कहते हैं। दुल्हन? हाँ, दुल्हन। जब लड़की का ब्याह होता है तो वो दुल्हन बनती है और उसका दूल्हा उसे ब्याह ले जाता है। क्या मेरा भी ब्याह होगा माँ? हाँ, तेरा भी ब्याह होगा। तो मेरा दूल्हा कहाँ है माँ? तेरा दूल्हा? वो उधर देख, वो मंदिर में। वो तो गिरधर गोपाल है माँ। हाँ, वो गिरधर गोपाल ही तेरा दूल्हा है। बस मीरा के मन में गांठ बंध गई और गंठजोड़ हो गया। मीरा कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी
कि नित नए गीत रचकर अपने गिरधर गोपाल के गुण गाने लगी। मारा रे गिरधर गोपाल, मारा रे गिरधर गोपाल, दूसरा ना को के बाद भी मीरा ने यह नाता नहीं तोड़ा। पहले तो उनके पति ने विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी भक्ति देखकर भोजराज ने मीरा को कुंभश्याम मंदिर में समय समय पर साधु सत्संग में जाने की अनुमति भी दे दी। लेकिन मीरा के विवाह के 10 वर्षों के अंदर ही उनके पति भोजराज और ससुर राणा सांगा का देहांत हो गया। मीरा के देवर विक्रमादित्य और ननद उदा ने लोक लाज का वास्ता देकर उन्हें दुख देना शुरू कर दिया। भाभी, तुम्हें लोक लाज का कुछ भी ध्यान नहीं? यह सूर्यवंशी सिसोदियों का कुल है, पता भी है कैसी कैसी बातें हो रही हैं तुम्हें लेकर। साधुओं की संगत कब से अधर्म हो गई जीजी? मीरा मीरा, तू अब विधवा है, तुझे पराए पुरुषों के बीच बैठकर ये सब गाना वाना शोभा नहीं देता। जब तक मेरे गिरिधर गोपाल हैं, मीरा विधवा कैसे हो सकती है? जब भीरम देव को मीरा पर हो रहे अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने मीरा को वापस मेड़ता बुला लिया। लेकिन मीरा का मन महलों से उचट चुका था। अंत में उन्होंने मेड़ता के महल भी त्याग दिए और वृंदावन होते हुए द्वारका की राह ली, जैसा कि उनके गिरधर गोपाल ने किया था। मेरो मन लाग्यो हर के नाम, हर के नाम रहस्य साधा के साथ। लोगों का मानना है कि मीरा के जाने के साथ ही चित्तौड़ की किस्मत भी साथ छोड़ गई।
मेवाड़ में भारी उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका था। राणा सांगा के बाद उनके मंझले बेटे विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, लेकिन राणा विक्रमादित्य को राजकाज की समझ नहीं थी। सरदारों में असंतोष बढ़ने लगा। राणा सांगा के तीसरे बेटे कुंवर उदय सिंह अभी छोटे थे। इसी का फायदा उठाकर राणा सांगा के भतीजे बनवीर ने गद्दी हथियाने के लिए साजिश रची, लेकिन मेवाड़ में त्याग और बलिदान की कमी न थी। कुर्बानी देने वालों में नारियां भी पीछे न थीं। ऐसी ही एक वीर नारी थी छोटे कुंवर उदय सिंह की धाय पन्ना। अरे ये शोर कैसा है बारिन? गजब हो गया पन्ना धाय, गजब हो गया। बनवीर ने हुकुम की हत्या कर दी। हुकुम की? हाँ। राणा जी की? हाँ। अपने राणा विक्रमाजीत की? हाँ। अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है, उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इन्हें जल्दी से लेकर भाग, सुनते नहीं रावला से कैसे चीखे उठ रही है। अच्छा इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटा कर ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। ठीक है, कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लिटाकर चादर ओढ़ा देती हूँ। बनवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बांग का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है छोटा कुमार? क्यों पन्ना, कुमार कहाँ है? कुमार जी सो रहे हैं, क्या काम है? काम? काम तो कुमार से ही है। किधर सोया है? वो रहे उधर। लो फिर अपने रास्ते का रहा सहा कांटा भी साफ कर देता हूं। लो हो गया काम तमाम, अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? राजकाज मर्दों का काम है, इन बालकों और बाल बुद्धि वालों का नहीं। चलो अब हमारी आन की दुहाई फिरवा दो। धन्य है पन्ना धाय, धन्य है उसका बलिदान। पन्ना धाय ने अपने कुल के चिराग की बलि देकर मेवाड़ की ज्योति को बुझने से बचा लिया। राणा उदय सिंह की जय, भगवान एकलिंग की जय। बड़े होने पर राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन मेवाड़ में राणा सांगा के बाद जो उथल पुथल हुई थी उसे दुरुस्त करने में उन्हें कई साल लग गए। इस बीच अकबर की नजरें भी चित्तौड़ पर पड़ चुकी थी। राजा भगवान दास, हमने मालवा के सरकश सुल्तान बाज बहादुर को सबक सिखाने के लिए दिल्ली से कूच किया था और यहां धौलपुर में मुकाम किया है, लेकिन अब हमें अपने इरादों में तब्दीली करनी होगी। हम मालवा से पहले चित्तौड़ को फतह करेंगे। वे किस कारण जिले इलाही? हमें खबर मिली है कि बाज बहादुर ने मालवा से भागकर चित्तौड़ के राणा उदय सिंह के यहां पनाह ली है। लगता है मेवाड़ के राणा को अपनी ऊंची पहाड़ियों और मजबूत किलों पर बड़ा गुरूर है, उसे सबक सिखाना ही होगा। चित्तौड़ को अपनी ताबेदारी में लिए बगैर हमारी बादशाहत मुकम्मल ना होगी। इधर चित्तौड़ में
अकबर के इरादे की खबर पाकर राणा उदय सिंह ने अपने सभी सरदारों और राजकुमारों से सलाह की। राव जयमल, कुंवर शक्ति सिंह ने हमें बता दिया है कि बादशाह अकबर का इरादा हमें अपने दरबार में आने के लिए विवश करना है, लेकिन हम अपनी आन को मुगल बादशाह के हाथों गिरवी रखने की बजाय कट मरना पसंद करेंगे। पृथ्वीनाथ, हम सब भी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके साथ हैं। राव पत्ता जगावत, प्रश्न ये है कि दिल्ली की बादशाही फौज से टक्कर कैसे ली जाए? अन्नदाता, खबर है कि बादशाह अकबर खुद अपनी फौज के साथ है और मांडलगढ़ पहुंच चुका है। राणा जी, ज्ञानियों ने कहा है कि राज्य का बल है खजाना और राजपूत भी। गुजराती बादशाहों के हमलों से खजाना भी कट गया है और राणा बांकुरे भी कम हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही राणा जी कि बादशाह अकबर से सीधे मुकाबले में बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। फिर पृथ्वीनाथ, अब यही उचित है कि हम लोग किले में रहकर बादशाह का सामना करें और आप महाराज कुमार और रणवास समेत पहाड़ों में चले जाएं। इसी रणनीति के अनुसार राणा उदय सिंह अपने रनिवास और राजकुमारों के साथ मेवाड़ की दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। किले की सुरक्षा का भार साईदास चूंडावत, जयमल, पत्ता, ठाकुर डोडिया सांडा, रावत साहिब खान चौहान और ईसर दास जैसे सरदारों पर आया, जिनके साथ 8,000 वीर राजपूत भी किले के भीतर मौजूद थे। उधर अकबर ने 23 अक्टूबर सन 1567 को चित्तौड़ से 3 कोस दूर नगरी में डेरा डाला और चित्तौड़ के मुहासरे की तैयारियां शुरू की। मोर्चाबंदी के बाद बादशाही लश्कर के सिपा सलारों ने किले के चारों तरफ से हमले शुरू किए। मगर वो किले की तरफ से आने वाली गोलियों और तीरों की मार से मारे जाते या जख्मी होते। तो अंत में अकबर ने चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 सुरंगें लगाना तजवीज किया। दौड़ो दौड़ो, चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 जगह सुरंगों से किले की दीवार टूट गई है। किसी को अंदर मत आने दो। रुई, तेल, लकड़ी और कपड़ा जलाकर दुश्मन को आने से रोको। राजपूत रणबांकुरों ने अकबर के सैनिकों से जमकर मुकाबला किया। हमला रोक दिया गया और रात भर में किले की दीवार फिर से खड़ी कर दी गई। लेकिन एक दिन किले में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। साईदास जी, किले में अब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा है। भूख से मरने से तो लड़ते हुए मरना बेहतर है जयमल। मेरे विचार में अब हम सबको जौहर और साका के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेवाड़ के रणबांकुरों ने सदा की तरह आखिरी संघर्ष की तैयारी की, जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी हो गया। क्यों शुजात खां, किले के अंदर ये कैसी रोशनी हो रही है? हुजूर, ये लपटें जौहर की हैं। जौहर? जब राजपूत मरने मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो औरतों और बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया बाना पहन लड़ाई में टूट पड़ते हैं। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हल्ला बोल दिया। मेवाड़ियों पर हाथी के सूंड में दुधारी खांडे बांधकर बढ़ाओ। अजमत खां, अरे सैनिक है यम के दूत, एक एक आदमी 50-50 पर भारी पड़ रहा है। आखिरकार सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे।
खुदा के फजल से चित्तौड़ पर हमने फतेह हासिल कर ली है ख्वाजा अब्दुल मजीद आसिफ खां। आप यहीं ठहर कर किले का बंदोबस्त कीजिए। अपनी फतेह की निशानी के तौर पर हम सूरज पोल के दरवाजे, नौबत खाने के नक्कारे और यहां की कुल देवी के मंदिर का दीपदान ले जा रहे हैं। पत्ता और जयमल की बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने हाथी पर सवार उनकी विशाल काय प्रतिमाएं बनवाकर आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई थीं। लेकिन चित्तौड़ उजड़ गया। अब वो जगह जो वीरों की हुंकार, तलवारों की खनकार और रानियों की पायलों की झंकार से गूंजती थी, अपनी खामोशी से बीते हुए युग की कहानी बयान करती है। चित्तौड़ एक महान दुर्ग, एक भव्य राजधानी ही नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा भी थी। वो आत्मा जो पराजित होकर भी कभी नहीं मरती, अपनी राख से बार बार उठ खड़ी होती है, चोला बदलकर नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। चित्तौड़ उसी आत्मा का एक चोला था और सदा सदा उसकी याद जिंदा रखेगा। पापा कुंबा